नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना श्रवण सीएलसी सीकर से आज बालोतरा से। आप सब जानते हैं आज सीएलसी का 41वां गौरव पथ है, गौरव यात्रा है और 373वां लाइव है। दोस्तों आज मैं बालोतरा में हूँ, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, उसके बाद भी हमारे बीच हमारे 15 से 20 गार्जियन स्टूडेंट एट प्रेजेंट मौजूद हैं। आज हम अंदर लाइव कर रहे हैं, शायद अंदर लाइव बहुत कम किए हम लोगों के, मामला जी लाइव भारी करते हैं। आज पहली बार हम अंदर से लाइव कर रहे हैं, जहाँ हम हैं जिस एक समाज का एक भवन है वहाँ तो फिर बारिश नहीं है, अभी पता लगा शहर में बहुत तेज बारिश हो रही है। मैं बालोतरा में खड़ा हूँ, बालोतरा बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट का एक विधानसभा है, तहसील है, और बालोतरा मेरे लिए बड़ा फेमस इसलिए है कि हमारे भाई प्रकाश माली जो हिंदी वासी जहाँ जहाँ लोग रहते हैं वहाँ भजनों के सम्राट, भजनों के किंग का गांव है, और मैं 12 बजे आज यहाँ गया था, 12 से 4 मेरा सौभाग्य राम उनके साथ रहा। एक बार प्रकाश भाई के लिए जो ताले बजाएं, उनका पूरा मान सम्मान उन्होंने हमें दिया। इसके बाद हमें जसोल जो पास ही गाँव है, जहाँ माझी साहब का माता का मंदिर है, जहाँ मुझे सौभाग्य मिला सर झुकाने का, नतमस्तक होने का, एक आशीर्वाद दिया सीएलसी के लिए। आज मेरे पास बाड़मेर में लाइव, परसों मैं भोपालगढ़ जोधपुर था, कल मैं सोजत पाली था और आज मैं बाड़मेर में हूँ। अब अगले 3 दिन में सीएलसी रहूँगा। आज हम थर्सडे की शाम को बात कर रहे हैं, फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे 4 दिन मैं सीकर रहूँगा, क्योंकि वहाँ भी काम देखना होता है। फिर अगले मंगल बुध गुरु शुक्र शनि अगला मेरा जो लाइव का प्रोग्राम है वो मेवाड़ का है, चित्तौड़ भीलवाड़ा प्रतापगढ़ डूंगरपुर उदयपुर। और आप जानते हो इस बार डूंगरपुर ने तो बड़ा हंगामा किया सीएलसी के लिए, कि हमारा चैन नाम का जो बच्चा है वो 12वीं करके वहाँ से आया था, 1 साल सीएलसी रहा, पहले चांस में फ्रेशर बच्चे ने बी बिल्डिंग से आपके 700 प्लस नंबर बन रहे हैं, इसे डूंगरपुर का लाइव तो हमारे लिए बड़ा खास रहेगा। तो अगला वीक मेरा मेवाड़ के नाम है, ये वीक मेरा मारवाड़ के नाम था। दोस्तों मैं यदि बाड़मेर जिले का पूरा परिचय कराऊं तो मात्र 2 साल में हमने जो बाड़मेर जिले के सिलेक्शन दिए सेशन 19-20 में, आप जानते हैं ये पूरा 16 पेज का अखबार सीएलसी तैयार कर रखा है, और ये पूरा का पूरा 16 पेज मात्र 2 साल में सेशन 19-20 में हमने 1725 सिलेक्शन दिए, 1413 उसमें डॉक्टर हैं, 312 बच्चे आईटी मेडिकल में हैं। मेरा डाटला विवेक राजपुरोहित यहाँ मौजूद है, जिसने मेरे कहने से एक एक्सटेंशन लिया और आज आईटी बहुत बढ़िया सेट है। हॉस्टल आपका बी बिल्डिंग, हॉस्टल कहाँ था आपका बी बिल्डिंग, आप हॉस्टल में रहे। तो ये पूरा का पूरा डिटेल हमारे सीएलसी परिवार .in की वेबसाइट पे भी है, और ये अखबार प्रिंट भी है, जब कोई आदमी सीएलसी आता है तो उसको मिलता भी है। मैं बाड़मेर की बात करूं तो बाड़मेर में मात्र 2 साल में जिन बच्चों के नाम कोट करना चाहूंगा मैं, बायतू की सुष्मिता जोधपुर मेडिकल कॉलेज में है, योगेश पटेल है बाड़मेर का वो जोधपुर है, लक्ष्मण कुमार बाड़मेर का बच्चा वो जोधपुर है मेडिकल कॉलेज में, बाड़मेर बालोतरा की बच्ची रुचि ये बीकानेर है मेडिकल में, केशव जांगीड़ बाड़मेर का बच्चा जीएमसी पाली में है, जो हमारे साथ कल सीओ जो नवरतन शर्मा जो कल हमारे साथ सांचो सांचो का कहाँ थे हम लोग सोजत में थे, हमारे साथ था, आप बुलाएं फटाफट बुलाएं बुलाएं नवरतन शर्मा को। हर सोनी बालोतरा का बच्चा है बीकानेर कॉलेज में है, प्रवीण बोरान बालोतरा का बच्चा, आपके पिताजी आप हमें बैठे, आज इस कार्यक्रम के आयोजक आप हैं, और प्रवीण बी बिल्डिंग में रहता था, बी बिल्डिंग में था, इस प्रोग्राम के आयोजक आप हैं। एक बार ताली बजाएं मेरे भाई के लिए, मैंने कल फोन किया कि भाई मैं बालोतरा आ रहा हूँ, तो आपको कहा वाकई आप आ रहे हो क्या, मैंने कहा आ रहा हूँ भाई आपके यहाँ आऊँगा, प्रोग्राम आपको करवाना है, तो आपने कहा क्या क्या कुछ नहीं करना आपको, बस आपको आके बैठना है और बस मन से आप आ जाएं, इतना सा काम होता है हमारा। प्रवीण बीकानेर है, इसाक खान बाड़मेर का बच्चा जीएमसी कोटा में है, सदर राम बाड़मेर का बच्चा अजमेर कॉलेज में है, भोमाराम बाड़मेर का बच्चा जोधपुर कॉलेज में है, बाड़मेर का किराटाराम जीएमसी बाड़मेर में है, और खेताराम बाड़मेर का बच्चा जीएमसी पाली में है, पवन कुमार बाड़मेर का बच्चा जीएमसी गोवा में है, दिनेश कुमार बाड़मेर का बच्चा हुबली में है, श्रवण कुमार बाड़मेर का बच्चा जीएमसी बाड़मेर में है, संतोष पटेल बाड़मेर का बच्चा एम्स बिलासपुर में है, जोधाराम बाड़मेर का बेटा जोधपुर में है, ऐसे सब बच्चे MBBS में है, विष्णु चौधरी बाड़मेर का बच्चा जीएमसी तेलंगाना में है, बजरंग जाखड़ बाड़मेर का बच्चा जीएमसी भावनगर में है, बजरंग बामनिया जीएमसी सूरत में है बाड़मेर का बच्चा, ये भी सारे बच्चे बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट बोल रहा हूँ मैं, चंद्र प्रकाश जीएमसी कॉलेज में है, हितेश सोनी जीएमसी छिंदवाड़ा में है, उसके बाद हमारा लाडला विवेक राजपुरोहित कल्याणपुरा का है, आपके दादाजी हैं, आप हाथ लाएं दादाजी कैमरे के सामने, आप विवेक के दादा हैं, क्या हैकड़ी दादाजी, मैं कह रहा था बड़े बड़े महानगरों में
जहाँ संसाधन है, गाड़ी घोड़े सुख सुविधाएं नौकर चाकर हैं, वहाँ आईटी में कई बार बच्चे क्रैक नहीं कर पाते हैं। ये सामान्य से गांव के मेरे किसान भाई, कल्याणपुर अभी रास्ते में आया था वो, है ना, हम जोधपुर से आए थे तो रास्ते में कल्याणपुर आया था। जवाब तो आप आईटी पोते के दादा हैं, क्या बात है, ऐसे थोड़ा एकड़ी से रहो, आपका छोरा बड़ा आदमी बनेगा, कलेक्टर बनेगा आपका पोता, मैं कह रहा हूँ। आपको यूपीएससी तैयारी करनी है बेटा, आपको यूपीएससी फाइट करनी करनी है, 100% करनी है आपको। आप आईटी खड़गपुर में है और सचिन कुमार बाड़मेर शिव का बच्चा एमआईटी जयपुर में है और योगेश कुमार बाड़मेर का बच्चा एनआईटी सूरत में है। ये मात्र 2 साल के स्टूडेंट्स हैं जो 25 की संख्या है, 22 एमबीबीएस में है, 3 बच्चे आईटी एनआईटी में है। दोस्तों आज पहली बार अंदर से लाइव कर रहे हैं, बहुत उमस है, इसलिए पसीना भयंकर आ रहा है, पर कोई बात नहीं, अपने लोग बैठे होते हैं, प्रवीण के पिताजी बैठे हैं, विवेक के दादाजी बैठे हैं और हमारे बहुत से गार्जियन बैठे हैं। तो मैं बालोतरा बाड़मेर में हूँ दोस्तों, एक बात कहना चाहता हूँ, 22 सिलेक्शन बाड़मेर से बहुत बड़ी संख्या अपने आप में हो जाती है और मात्र 2 साल में। तो इस लाइव को देखने वाले, इस वीडियो को देखने वाले सारे अपनों को एक बार थोड़ा सा सीएलसी के बारे में और बता देता हूँ। दोस्तों आप सब जानते हैं सीएलसी सीकर में आईटी और मेडिकल की तैयारी तो करवाता है। आज के 15 साल पहले लड़के 12वीं करने के बाद कोचिंग में तैयारी करने आते थे, फिर आज के 10-11 साल पहले लड़के 10वीं के बाद 11वीं से आना स्टार्ट हुए, लेकिन सब अब जमाना बदल गया है, अब बच्चा 9th क्लास से हमारे पास आना स्टार्ट हो जाता है। तो मैं तो कहता हूँ 6th क्लास से आप बच्चों सीकर भेजें मेरे पास, मेरा खुद का अपना स्कूल सीबीएसई का बिहार स्कूल के नाम पे, खुद का कैंपस, खुद के हॉस्टल बेटे बेटियों के अलग अलग, राजस्थान बोर्ड का स्कूल हमारा केवीएम के नाम पे है, खुद के अपने हॉस्टल, और सीएलसी के बारे में आप सब जानते हैं, कहने की बात ही नहीं है। अभी मैं प्रकाश भाई से मिला, माले साहब से, वो उस बैंक में बैठे थे वो, तो मैंने फ़ोन किया कि मैं आ गया, तो उन्होंने कहा साहब से जो बैंक मैनेजर थे कि वो सीएलसी वाले आए हुए हैं, तो पीछे 4 लोग खड़े थे जो सही में सीएलसी वाले बलोत्रा आए हुए हैं क्या, उनका अपनी मुझे बहुत खुशी हुई। तो खुशबू सीएलसी की है, ये आप सब का स्नेह है कि विवेक जैसे बच्चों का विश्वास है, 12वीं के साथ ये बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं, एनआईटी मिल जाती है, आईटी मिल रही होती है, मैं कहता नहीं छोड़ दे यार छोड़े, 1 साल फिर ठोक वापस तैयारी करते हैं और 2000 की रैंक में आके आईटी खड़गपुर में अपना एडमिशन लेते हैं। बड़ा विश्वास है, कहाँ कल्याणपुरा सीकर से 500 किलोमीटर दूर का एक लड़का मेरी बात पे यकीन करता है, मेरी बी बिल्डिंग में रहता है, उसके बाद आईटी में पहले 2000 में आता है, ये सारा खेल विश्वास का है, आपके दादा आपके साथ हैं। एक बार फिर से कहना चाहता हूँ लाइव शुरू करने से पहले, नीट 2021 का एग्जाम हो गया है, आईटी एडवांस का एग्जाम 3 अक्टूबर को होना है, तो मैं नीट से बात करना चाहता हूँ, जो बेटे बेटियाँ नीट 2021 में सिलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं उनसे निवेदन है वो टाइम वेस्ट नहीं करें, अपने बोरिया बिस्तर पैक करें और सीएलसी आ जाएं। देश में कहीं दूर दराज देख रहे हो आप सीकर नहीं आ सकते हो तो सीएलसी के 2 बड़े ब्रह्मास्त्र हैं वो आप ज्वाइन कर लें, सीएलसी की टेस्ट सीरीज जिसमें कम से कम आपके पूरी साल में 100 टेस्ट करवाएंगे और एक सीएलसी का 6 पैक, इस 6 पैक ने हंगामा खड़ा कर दिया। आज मेरे पास मेरे मित्र प्रवीण शर्मा है जो बीकानेर रहते हैं, यूथ लाइब्रेरी के नाम पे चलाते लाइब्रेरी, केमिस्ट्री की फैकल्टी भी है, तो वो कह रहा है भाई बीकानेर के सारे बच्चे इस बारे की बात करें, भैया कोचिंग कहीं लो बीकानेर में, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो सीएलसी की, और जो 6 पैक निकाला सीएलसी वालों ने वो तो राममान है। क्या है 6 पैक? एक क्वेश्चन बैंक है, 2 किताब बायोलॉजी की है, 2 केमिस्ट्री की है, 1 फिजिक्स की है और 1 दोस्तों प्रीवियस ईयर, हाँ लाए एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है 2013 से लेकर 2020 टॉपिक वाइज, दिखाएं प्लीज, ये एक 6 पैक का एक पूरा सेट है हमारा। तो ये 6 पैक का सेट इस बार हम 7 दे रहे हैं टेस्ट सीरीज के, देश में कहीं भी हैं आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, आप ऑफलाइन टेस्ट सीरीज के लिए बीकानेर सीकर अलवर कोटा और जयपुर में हमारी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं और 6 पैक आप घर में मंगा सकते हैं। इन सब के लिए आप मेरी हेल्पलाइन पे जाएं, वहां बात कर सकते हैं। और मैं तो कहता हूं पूरे देश के बच्चों से, यदि आपको लगता है कि 21 आप क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, आप नीडी हैं, आप जरूरतमंद हैं, तो आप भाव से सीएलसी आ जाओ, सीएलसी आपका अपनी औकात से ज्यादा सहयोग करेगी, मतलब सीएलसी की जो औकात है उससे अधिक सहयोग आपका करेंगे। एक मिशन हमारा इस साल 2022 में हम किसी भी जरूरतमंद बच्चे को नीट की तैयारी से वंचित नहीं रहने देंगे, आईआईटी की तैयारी से वंचित नहीं रहने देंगे, इसके बदले चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, कितने बच्चों की हॉस्टल व्यवस्था करनी पड़े, चाहे आधे में करनी हो, चाहे नॉमिनल चार्ज में करनी हो, चाहे बहुत से बच्चों को फ्री करना हो, कोई इश्यू नहीं है। ये इश्यू इतना ही है कि हमें इन सारे बच्चों की उंगली पकड़ी है, क्योंकि 20 मार्च 2020 को लॉकडाउन लगा था, तब से लेकर आज तक मैं आपके साथ हूं। दोस्तों आज ये 373वां लाइव है, सीएलसी एकमात्र संस्था है जिसके यूट्यूब चैनल पे 32,000 क्वेश्चन नीट और आईटी के
विद सॉल्यूशन फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़े हैं, आप देश में कहीं भी हैं तो आप सीएलसी की 22 की बात कर रहा हूं, 22 के लिए सीएलसी की टेस्ट 3 ज्वाइन कर लें, सिक्स पैक अपने आप आपको साथ मिल जाएगा, और सीएलसी के यूट्यूब चैनल को दोस्तों फॉलो कर लो। लेकिन यूट्यूब चैनल में मेटल जो पड़ा है उसका कंप्लीट फायदा कैसे लेना हो, इसके लिए आप एक बार सीकर आ सकते हो तो सीकर आ जाएं, पूरी बात समझ जाएं। अदरवाइज मैं इस संडे को एक विशेष लाइव कर रहा हूं, नोट कर लें, जिसमें मैं यह बताऊंगा कि यूट्यूब के चैनल पे हमारा मैटर जो पड़ा है वो किस तरह से आप पढ़ सकते हैं। ओके डियर, तो बालोतरा में खड़ा हूं मैं और सीएलसी परिवार है तो प्रवीण की लास्ट में उसका रिजल्ट हमारी मनपसंद से नहीं आया था क्योंकि वो बच्चा लास्ट में बीमार हो गया था। भाई से मेरी बात हुई, वो बात मुझे आज भी याद है और इसलिए मेरा अधिकार लगा आप पे कि मैं आपके यहाँ के लाइव करूँ, आपके यहाँ के घर पे आऊँ। तो मैं इस लाइव में बच्चों से गार्जियन से मिला हूँ तो सबसे पहले विवेक को माइक देना चाहूँगा मैं, विवेक राज पुरोहित को, ये अपनी पूरी जर्नी बताए और अपनी जर्नी के बाद खड़े होके बेटा विवेक अपनी पूरी आप खड़े होंगे अपनी पूरी जर्नी को आप बताएं, वहीं खड़े होके बेटा अपना पूरा परिचय देते हुए एक बार तालियां हमारे बच्चे के लिए। मैं पापा का नाम धर्मेंद्र सिंह कल्याणपुर का जिला बाग में मैं इस लेसन चला गया था सीएलसी आ गया यहाँ आ जा तो पंखे चल रहे ना आज का लाइव पहली बार अंदर कर रहे हैं तो आवाज गूंज रही है यहाँ से बोल। हाँ हम 11th में चले गए थे सिक्कर, लेकिन ये भी फिक्स नहीं था कि हम सीएलसी में जाएंगे। सिक्कर गए, सिक्कर में जाके कोचिंग देखी, सबसे पहले सीएलसी गए थे तो बहुत से मिले, पापा को अच्छा लगा कॉलेज कोचिंग तो यहाँ पे एडमिशन करा दिया। दो साल अच्छे से पढ़ाई की, एक साल तो बाहर रहे थे लेकिन सेकंड 12th में हम सीएलसी के हॉस्पिटल रहे और फिर 12th में अच्छे नंबर आए थे, 2000 कुछ रैंक, 4000 कुछ रैंक थी, 1300 कुछ एडवांस में एक कॉलेज पढ़े को मिला था लास्ट ईयर के, लेकिन ब्रांच नहीं मिली थी ठीक की, तो बॉस से बात की पापा ने और वापस ही रिपीट करने का बोला बॉस ने, तो पापा मान गए और वापस एक साल की रिपीट लग गए, रिपीट में लग गया सेल से आके वापस वही बी बिल्डिंग में रहा सबके साथ और काफी अच्छी रैंक आई, 1451 रैंक के साथ एडवांस में खड़गपुर कॉलेज मिला इस साल। ब्रांच मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग IBA का कोर्स है मेडिकल में, आईटी में खड़गपुर में, अभी कॉलेज गया नहीं हूँ, लॉकडाउन की वजह से खुला नहीं है, सपोज दो तीन क्वेश्चन मेरे में। आपके 10th में क्या परसेंटेज थे? 10th में 83, 12th में कितने आए? 91। आप सुने साहब, जो लोग फाउंडेशन के साथ बोर्ड, मामला जी आप ही ध्यान दें, जो लोग फाउंडेशन में ये बहम करते हैं परसेंटेज गिर जाएंगे, तो आप 10th का स्कोर है 83 और 12th का स्कोर है 93 और 12th के साथ आपकी एडवांस में रैंक थी 4000 ओवरऑल, नॉट कैटेगरी, ओवरऑल रैंक थी 4000। फिर दोस्तों कहां एक बाड़मेर का बच्चा विश्वास करता अपने बॉस पे, मैंने कहा वापस लग जा, ये वापस लगा बी बिल्डिंग में रहा और आपकी रैंक आई 1451। ये 6 बच्चे थे सीएलसी के जिनका रैंक 2000 में था, जिन उदय लोकल सीकर का था और बाकी 5 बच्चे आप बी बिल्डिंग हॉस्टल के थे। आपको मैसेज बेटा देना चाहते हो तो सीएलसी आईटी मेडिकल दोनों इक्वल काम करता है, एक कोई मैसेज कोई अपने तरफ से बच्चों को देना चाहते हैं 3 तारीख को एडवांस का एग्जाम उनके लिए? एडवांस अभी तो यही मैसेज है कि ज्यादा लोड लेना नहीं है, कोई भी तकलीफ हो तो बॉस से बात करो, एक बार वो सब संभाल लेते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू डियर, थैंक यू। तो ये हमारा विवेक राज पुरोहित, देखो दोस्तों सारा खेल विश्वास का है, डूंगरपुर का चयन आता है, एक साल तैयारी करता है बंदा, नीट का स्कोर अभी 2700 जोड़ता है। विवेक राज पुरोहित आपके दादाजी बैठे हैं, बिल्कुल देखो बिल्कुल से बिल्कुल ठेठ मेरे परिवार के देहाती गांव के व्यक्ति हैं, बच्चा 10वीं 83%, मुझे आज पता लगा इस बात का, और 12th में 90% लेके आता है, तो परसेंटेज बढ़ रहे हैं। ये कुछ भ्रांतियां कुछ ऐसे पर लोग मिसगाइड करते रहते हैं, मैं तो कहता हूँ 6ठी क्लास से बच्चा सोपो सीएलसी को साहब 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 पांच साल बच्चा हमारे साथ रहेगा तो निश्चित रूप से सफल इंसान बन के आएगा, ये मेरा वादा है, मेरी मेहनत के बलबूते और मेरे 26 साल के अनुभव के बलबूते, सीएलसी के संसाधन के बलबूते और सबसे ऊपर भगवान के आशीर्वाद के बलबूते, ये भी राजपोहित होते हैं और ये बी बिल्डिंग हॉस्टल में रहे। अब मैं सीधा सीधा माइक लेके आना चाहता हूँ प्रवीण के पापा पे, जो लड़का मेरे बी बिल्डिंग में था, इसका रिजल्ट लास्ट में मेरे अकॉर्डिंग नहीं था क्योंकि एग्जाम से पहले जो बीमार हुआ वो आप अपने अपने जुबानी आप बताएंगे, नहीं हमारा बच्चा 686-690 तक बहुत आराम से ठोकता। सर आप एक बार प्रवीण के पापा के तरह बजे प्लीज अपनी बात रखें, आप थोड़ा आगे आ जाए। हाँ सर उधर देखते हुए क्योंकि कैमरा उधर है। सर नमस्कार, सर मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और आभार प्रकट करता हूँ बालोतरा में बताने के लिए
और मैं आपसे निवेदन करता हूँ सोन लाल जी से, आप एक साफा पहना कर, वो लाइव की बात, लाइव नहीं करते हम लोग, लाइव की बात। सर मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ बालोतरा बुलाने के लिए। प्रवीण जब मैंने 12th के साथ में इसने की थी नीट की तैयारी, तो थोड़े समय से छूट गया था, तो मैंने उसको ये समझाया, वो डिप्रेशन में आ गया था, तो मैंने वहां यहाँ से उसको सीकर लेके गया। सीकर में मैंने उसमें 3-4 कोचिंग, थोड़ा इस कैमरे को फेस करके, उस कैमरे को फेस करके बोले, हाँ हाँ मैंने 3-4 कोचिंग, इस कैमरे को फेस करके बोले आप, 3-4 कोचिंग की मैंने वहाँ पे ट्राई की। जब मुझे सब ये चीज लगी भाई यहाँ पे ठीक है, तो उसके बाद मैं CHC गया। CHC मैंने 2-3 घंटे वहाँ पे रहा, बोस से मेरी मीटिंग हुई वहाँ पे, बोस पेरेंट्स की मीटिंग लेते हैं, आधे पौन घंटे की मीटिंग हुई। उसमें मुझे ये लगा कि यहाँ पे बच्चा सेफ है और बच्चा डिप्रेशन में नहीं आएगा और बच्चा कोई भी मोटिवेशन इनके जैसा कोई ओपन नहीं कर पाएगा। उसके बाद में मैंने उनको बच्चे को वहाँ पे सौंप दिया, और शाम को जो यहाँ वहाँ पे मैंने बाहर निकलते वक्त जो वहाँ पे हनुमान चालीसा असेंबली है वो मैंने खुद अटेंड की, और मुझे वहाँ पे खुद, मुझे खुद को वहाँ पे मोटिवेशन मिला। तो मैंने ये चीज वहाँ पे, प्लीज कैमरा भाई कैमरे को देखते हो बोले, आप एक सफल बच्चे के पिता हैं, हाँ वहाँ बोले, हाँ हाँ सर। तो फिर वहाँ पे मैंने जब असेंबली वहाँ पे ज्वाइन की, तब मुझे ये लगा कि ये बच्चा मोटिवेशन और डिप्रेशन में नहीं आएगा और इसको कुछ सीखने मिलेगा और कम से कम ये इंसान अच्छा बन के निकलेगा वहां से। तो फिर मैंने उनको यहाँ चौथा, फिर उस बच्चे की मेहनत से रीबिल्डिंग में वो बच्चा रहा, और वहां पे मेहनत करने के बाद में कुछ संजोग ये हो गया, कोरोना लग गया, कोरोना के बाद में भी ये CLC कर पाई, कोरोना के बाद में भी उनको मोटिवेशन करना, उनको पढ़ाई ऑनलाइन पढ़ाई करवानी, और ये चीज वो कभी भी वो मिस गाइड नहीं करवाए उन्होंने, उनको मोटिवेशन किया भाई बच्चे निराश होने हो, हताश नहीं हो। उनको 3 महीने का जब वो एग्जाम उस समय फाइनल हुआ था और उसको आगे बढ़ गया, तब भी उन्होंने वो मेहनत वो की जो वहाँ पे होनी चाहिए थी। फिर उस बच्चे ने वापस वो जो भी बच्चे थे जो वहाँ पे उनकी मोटिवेशन की वजह से वो फाइट कर सके, और बच्चे एग्जाम देने के से पहले 24 घंटे पहले उसको बच्चे को पेट में जबरदस्त दर्द होने लग गया, तो फिर उस हमें खुद को ये समझने में 12 घंटे लगे कि पहली दफा पेट दर्द था, उल्टे होने लगी थी। हमने वहाँ पे उसको ड्रिप और इंजेक्शन लगवाने के बाद में जब ये चेकिंग वेकिंग करवाई, तब हमें मालूम पड़ा उसके पथरी है, तो पथरी के लिए हमें डॉक्टर ने कहा यहाँ पे एडमिट करना पड़ेगा और ऑपरेशन करना पड़ेगा। जब मैंने उनको बोला कि आज नीट का एग्जाम है मैं ये चीज नहीं कर पाता हूँ, तो बच्चे ने कहा मुझे ये बोस को मेरे ऊपर विश्वास है और मैं विश्वास नहीं तोड़ सकता हूँ, मुझे किसी भी हालत में मुझे वहाँ पे एग्जाम सेंटर तक पहुंचा जाए। मैंने गाड़ी रेंट पे लेके पीछे गाड़ी पे उसको झुला के जोधपुर से आके बावड़े वहाँ पे उनका सेंटर था वहाँ पे ले गया, वहाँ पे इंजेक्शन और ट्रिप के द्वारा वहाँ पे उसने एग्जाम दिया। एग्जाम देने के बाद में बच्चे ने चलो 5-7 तक ट्यूशन वो नहीं कर पाया उस तकलीफ की वजह से, लेकिन फिर भी बच्चा संतुष्ट नहीं हो पाया, लेकिन हम संतुष्ट हैं भाई उन्होंने मेहनत की सर ने और बच्चे ने, और उसका रिजल्ट अच्छा। स्कोर क्या था याद है क्या? स्कोर 650 है, उसकी रैंक है 3947 और OBC रैंक है 1239। सर 3-4 प्रश्न, मैं गार्जियन ध्यान सुन रहा बात को, बच्चे को 13 सितंबर को नीट का एग्जाम था, मैं एक एक दिन बता देता हूं लोग, 20 मार्च को लॉकडाउन लगा, बच्चे घर आ गए, 3 मई की एग्जाम थी वो पोस्टपोन्ड होकर 26 जुलाई की हुई, 26 जुलाई से पोस्टपोन्ड होकर एग्जाम 13 सितंबर को हुई, 12 सितंबर की नाट, ये सुनो जो लोग पॉजिटिव नेगेटिव बात करते हैं कि परिस्थितियां क्या खा की परिस्थितियां हैं, हिम्मत चाहिए, शेयर होना चाहिए आदमी। 12 सितंबर को रात को पथरी का दर्द है, डॉक्टर कह रहा है एडमिट होना है, मेरा बेटा कहता नहीं, मेरे बॉस से मेरी बात कह दो, मेरी बात हुई, आप गाड़ी में जा रहे हैं, ड्रिप लगी हुई है, उसके बाद वो नीट 2020 के एग्जाम में 650 नंबर लेके आता है, मेरा पूर्ण विश्वास था ऐसा नहीं होता साहब, वो मेरा 690 का बच्चा था। सर वो आपने कहा था कि भई अब इस बच्चे का फोटो मेरे पास आना चाहिए, उस बच्चे ने फील की मुझे उनका विश्वास है और मुझे उनका विश्वास नहीं तोड़ना है, किसी भी हालत में मुझे वहां पे नीट का एग्जाम मुझे फाइट करना है सर। और जब एक दफा उसने ये उससे पहले जब उन्होंने कोरोना की वजह से ये चीज हो गई ना, तो बच्चे हताश हो गया था, लेकिन जब रात को आपकी बात होती थी 11-11:30 बच्चे बजे ना, तो बच्चे को वापस ऊर्जा मिल गई, बच्चे ने कहा अगर कोई बात नहीं, अब आपने ये बोला कि ये अपन को टाइम ये मिला है ना, तो इसमें आपको सुधार करने के लिए टाइम मिला है, तो आपके द्वारा जो मोटिवेशन दिया गया उसमें उसने बच्चे ने 3 महीने के लिए और एक्स्ट्रा तैयारी मिल गई उसको, तो वो बच्चा हताश हुआ। वो वजह यही थी कि आपने उसको मोटिवेशन, हर एक बच्चे को मोटिवेशन कराया ना, उस वजह से ये बच्चे उस नहीं, मैं आपको थोड़ा सा कहना चाहूंगा, लास्ट ईयर जो बच्चे थे 20 मार्च से कोचिंग चले गए, तो पूरा अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 5 महीने बच्चे घर थे, CLC एकमात्र संस्था थी की, उसी की देन है साहब कि 1725 बच्चों का जोड़ हो गया मात्र 19-20 का,
सबसे बड़ी बात वो होती है जो 5 महीने में और कोई भी चीज संस्था कोई भी हो जब उनका सिलेबस खत्म हो गया तो वो वहां पे उन बच्चों के भरोसे छोड़ देते हैं। लेकिन सीएलसी में बोस ने जब एग्जाम हुआ उसके 2 दिन पहले तक उस बच्चे से बात हुई, 1 दिन पहले तक बच्चे से बात हुई, जब बीमार था तब भी बच्चे से बात हुई कि तू कैसे क्या हालत है क्या चीज है, तू फाइट कर सकता है, एग्जाम दे सकता है, पहुंच सकता है। तो उस बच्चे में ये विश्वास आ गया कि मुझे कुछ करना है और मुझे फाइट करनी है और मुझे नीट सिलेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर। ये हमारे गार्जियंस हैं। बालोतरा देखो कितना दूर, हमारा एक रिश्ता है, हमारी एक जात है, हमारा एक धर्म है, उसका नाम है सीएलसी। हम केवल सीएलसी जात पे जीते हैं, उस धर्म है। जो लड़का लड़की, जो बेटा बेटी सीएलसी में, गार्जियंस जो बेटा बेटी सीएलसी में है वो सीएलसी का है, वो मेरे लिए औलाद की तरह है। ये गवाह है, एक एक बच्चे पे ध्यान है साहब। एक बच्चा 12 की रात को पत्थरी के दर्द से तड़पता है तो मैं फोन करता हूँ, ये किसी कोचिंग के डायरेक्टर संभव नहीं है, क्या फर्क पड़ता है उसको, एक बच्चा कम हो जाएगा तो। लेकिन नहीं, वो दुनिया के लिए एक बच्चा हो सकता है, श्रवण के लिए पूरी दुनिया है साहब। मेरा एक एक बच्चा मेरे लिए कीमती है साहब। कई बार स्टाफ कहता मेरा, शिकायत करते हैं बच्चे को किसी साहब, एक ही तो बच्चा संतुष्ट है। मैंने कहा तेरे लिए एक बच्चा है, अपनी माँ के लिए पूरी दुनिया है भैया, इसे हर एक बच्चा दुनिया हमारे लिए। तो ये प्रवीण के फादर बहुत अच्छा सा एक रिस्पॉन्स। मैं फिर से कहता हूँ कि जो 2021 में मेरे बेटे बेटी नीट में सिलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं वो अपने गुदड़ पैक करें, सीकर आ जाएं, उन सबकी सारी व्यवस्थाएं हैं। अब लेट मत लो कि अगली एग्जाम 5 जून को, पता नहीं दिमाग कहां से आइडिया आ गया, अगली 22 की जो नीट है वो 5 जून 22 को होनी है भाई। मैं समझता हूँ, मैंने 8 ही है, टाइम वेस्ट नहीं करें। और बार बार एक बात कर, विवेक वाला मामला तो मेरे लिए बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। 83% का बच्चा 91 भी लाता है मेरे कहने से, एक फिर ड्रॉप लेता है। 4000 की आईटी एडवांस की रैंक छोड़ता साहब, ये 4000 आईटी एडवांस की रैंक छोड़ के वापस तैयारी करके मात्र 10 महीने लगते हैं और आप अगले एडवांस के अंदर दोस्तों रैंक लाते हैं 1400। अब मैं माइक को देना चाहूंगा अन्य जो हमारे बच्चे मौजूद हैं, यहाँ जो अन्य कोई बच्चे मौजूद हैं माइक दे बेटा, अन्य स्टूडेंट कोई सेल से पढ़े हुए हैं यहाँ मौजूद हैं, कोई गार्जियन उनके मौजूद हैं बच्चों किसी के, आपको माइक दें, दादाजी को माइक दें, विवेक दादा को माइक दें। आपको माइक दें, आपका बेटा पवन, हाँ वो बच्चा हमारे बच्चा था हमारे, बैठे बोल दो भाई, बैठे आगे जो मैं जसोल से राजा कुमार, बेटा नर्सिंग की थी, अब तीन हो गए, दो SMS कॉलेज में फाइनल क्या कर रही है, अब उसकी ट्रेनिंग चल रही है आगे भविष्य की आगे कामना से। ये बच्चा हमारे कोटा सेंटर में बच्चा था, टेस्ट सीरीज का बच्चा था हमारा, TS का बच्चा है, आपके गार्जियन में दोस्त जुड़े हुए, एक फोन के बुलाव पे आज हमारे बीच आ पाते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। अन्य कोई गार्जियन कोई बच्चा बोलना चाहे हम में से, सर प्लीज आप बोले, आप इस समाज के अध्यक्ष हैं आगे, प्लीज दो सब कुछ भी दो सब बोल दे आप माइक पे। आज प्रोग्राम जो आपने रखा है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे समाज शिक्षा प्रसार समिति शिवानशी मालवी हस्तरा रोड पालोर। थैंक यू सर, थैंक यू। इसके अलावा हमारे कोई बच्चे कुछ, हाँ बेटा बिल्कुल आ जाओ, आए अपना पूरा देते हो इंट्रोडक्शन देते हुए पूरी बात रखें बेटा अपने, प्लीज माइक को देख कैमरा देखते हुए। हाँ, ये जो भी बाड़मेर से मेरे साथी हैं जो भी आईटी और मेडिकल में अपना करियर सुनना चाहते हैं वो बेस्ट करियर के लिए सीएलसी सुने और सीटें पढ़े। अपना पूरा अपने परिचय, तेरा परिचय तो कौन है? मैं नरेश्वर जी गोदारा और इसे बिलोंग करता हूँ और मेरे छोटा भाई है जो सीएलसी से ही जुड़ा हुआ है, फाउंडेशन बेस का बच्चा रहा है और अभी टारगेट में तैयारी कर रहा है और सीएलसी से जुड़ा हुआ है। जो भी बच्चे मेडिकल से और आईटी में जो भी अपना करियर सुनना चाहते हैं वो जल्दी से सीएलसी सुने और अपना बेहतर। थैंक यू भैया, ओके यंगमैन। और मैं एक बात और करना चाहता हूँ, बार बार कह रहा हूँ, जब मैं गांव में घूम रहा हूँ देख रहा हूँ मेरे सामान्य लोगों से मिल रहा हूँ तो नेवी एयरफोर्स डिफेंस की बार बार बात आती है। आपके अपने सीएलसी 8 मार्च 2022 से एक शानदार कैंपस के साथ नेवी एयरफोर्स डिफेंस एक अल्टीमेट टीम जिसका हम सिलेक्शन शुरू कर चुके हैं, काफी लोग ज्वाइन करवा चुके हैं, अगले 3-4 महीने में एक टीम तैयार करके वहां पे पूरा काम करें क्योंकि गाँव के हर लड़के तक काम करना मेरा धर्म है, मेरा ईमान है, मेरा सौभाग्य है। तो ये आज का हमारा एक प्रोग्राम रहा, बहुत तेज बारिश के बाद भी हम यह प्रोग्राम कर पाए ये एक बड़ी बात है। तो मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूँ कि सीएलसी में 6 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले आप सीएलसी क्लास, सीएलसी के टेस्ट, सीएलसी की असेंबली, सीएलसी का कैंप, सीएलसी का सिक्स पैक
और सीएलसी के मॉड्यूल्स, इन सब को फॉलो कर लेते हैं तो आपकी सफलता मेरे गांव की भाषा में झकबरा के आपके पास आएगी। और मैं दूर तक जो कोई बैठा हो, पूरे देश में जो कोई दूर तक बच्चा देख रहा है, आपको वाकई नीट आईटी की प्रिपरेशन करनी है तो दोस्तों आप बिल्कुल बेझिझक आप सीकर आए, सीएलसी आए। सभी अच्छा काम करते हैं, मैंने कहता कोई खराब काम करता है, बट हम उन सबसे बढ़िया काम करते हैं। वो 6 घंटे काम करते होंगे, सीएलसी 24 घंटे काम करती है। यहाँ दूर दराज तक मैं इसलिए लाइव करने के लिए आता हूँ ताकि प्रेरणा मिले। आप देखें एक ऐसे व्यक्ति, आपका पोता आईटी में है, बहुत बड़ी बात है साहब, एक बिल्कुल मेरे गांव के बड़े भाई जैसे आप दिखाई दे रहे हैं। आपका पोता आईटी में है, वो भी विश्वास के साथ फिर जुड़ता है। बाड़मेर जोधपुर रोड पे आपका गांव है कल्याणपुरा, आप वहां से बिलोंग करते हैं, तो ये एक व्यवस्था है। तो बालोतरा में हम लोग आज हैं, ये लाइव बालोतरा से है, 313वां लाइव है, 41वीं गौरव यात्रा है। और दोस्तों आज अब फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे 4 दिन मैं सीकर हूँ, उसके बाद फिर 4 दिन मेवाड़ जाऊँगा मैं, और मेवाड़ के उन डिस्ट्रिक्ट में बात करेंगे, वहाँ के लोगों से बात करेंगे। मैं मेरी बात को यहाँ समाप्त, उससे पहले मैं चाहूँगा हमारे मामराज जी भी कोई मैसेज शॉर्ट में देना चाहें तो एक मैसेज दें सीएलसी के बारे में, जो लोग लाइव देखें, जो वीडियो के बाद देखें, उन लोगों के लिए। दोस्तों नमस्कार, आज हमें इस बात की बड़ी खुशी है कि हमारे मित्र ने जो 1996 में सीएचसी के नाम से जो बीज बोया था, उस बीज से जो पेड़ तैयार हुआ है और उसकी खुशबू आज हम पाकिस्तान के बॉर्डर बाड़मेर तक भी देख रहे हैं, तो पोखरण तक भी देख रहे हैं, तो हम धौलपुर और बाड़ी तक भी देख रहे हैं, नगर भरतपुर तक भी देख रहे हैं, हरियाणा एमपी यूपी वाराणसी ऐसी कोई जगह नहीं है। आज सीएलसी सीकर के अंदर 22 स्टेट हिंदुस्तान के ऐसे हैं जिनके बच्चे सीकर में आके रह रहे हैं। आज हमें इस बात की बहुत बड़ी खुशी है कि जिस पेड़ को आज से 25 साल पहले लगाया था, वो पेड़ जवान होते ही अपनी खुशबू पूरे हिंदुस्तान में फैला रहा है, पूरे उत्तरी भारत में बहुत बड़े रूप में फैला रहा है। मैं आप सबसे एक ही चीज कहता हूँ कि संस्थाएं हैं, कोचिंगें हैं, दूसरी कोचिंगें भी हैं, पढ़ाती भी हैं, सिलेबस भी पूरा कराती हैं, लेकिन देखने वाली बात यह है कि सीएलसी और उनमें दूसरों में अंतर क्या है। 6 घंटे वो भी अपनी क्लासरूम में पढ़ाएंगे, वही एनसीईआरटी का सिलेबस फिक्स है, जिस सिलेबस को पूरा करना है सिलेबस पूरा होगा, लेकिन बच्चे को 6 घंटे पढ़ाने से काम नहीं चलेगा। ये प्रतियोगिता का युग है, ये कंपटीशन का युग है। आज नीट की मेरिट 600 जा रही है, 600 प्लस जा रही है, वहाँ बच्चे के हमें 24 घंटे देख रेख की जरूरत है। और वो 24 घंटे की देख रेख यदि आज की तारीख में कोई संस्था कर रही है तो उस संस्था का नाम है सीएलसी सीकर। वो इसलिए कर पा रही है कि उनके पास एक बड़ा अच्छा कैंपस है, जिस कैंपस के अंदर अच्छे क्लासरूम हैं, अच्छा हॉस्टल है, अच्छे मेस की सुविधाएं हैं और अच्छे संसाधन हैं, अच्छी फैकल्टी है, अच्छे गार्ड हैं, अच्छे हॉस्टल वार्डन हैं, जिसके कारण बच्चा 24 घंटे संस्था की नज़र में रहता है। और वही सबसे बड़ा कारण है कि संस्था अपना अच्छा रिजल्ट दे रही है, संस्था अपनी अच्छी खुशबू फैला रही है। दूसरी चीज ये होता है कि संस्था लोग खोल देते हैं, उनका डायरेक्टर का पता नहीं होता, उनके मालिक का पता नहीं होता। साधारण भाषा में अपने ये कहते हैं कि जिस आदमी ने खेत जोत रखा है, उस खेत का यदि किसान, उसका जमींदार यदि खेत में नहीं होता है, तो उस खेत को कहीं ना कहीं आवारा पशु नुकसान पहुँचाते हैं। लेकिन जिस खेत का मालिक खेत में जाके बैठ जाता है, उस खेत को, उस फसल को कोई आवारा पशु नुकसान नहीं पहुँचा सकते। वैसे ही सीएलसी के अंदर, सीएलसी में या तो हमारे भाई श्रवण जो है वो वहाँ मुंडा डाल के बैठते हैं, और जब ये अनुपस्थित होते हैं और वहाँ इनके अनुपस्थिति में इनका बेटा जो साहिल 27 साल की उम्र का है, MNIT से इंजीनियरिंग किया हुआ है, आज के तारीख में बहुत ही टैलेंटेड है, ये सारी जो व्यवस्थाएं लाइव की हो रही हैं, ऑनलाइन व्यवस्थाएं जो हो रही हैं, ये उसकी बहुत बड़ी भूमिका है, उसी की देन है कि नई टेक्नोलॉजी के साथ सीएलसी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। वो हमारी अनुपस्थिति में वहाँ पे सारे देख रेख करते हैं, जिसके कारण हम निश्चिंत होके गांव और ढाणियों में आ रहे हैं। आज ये बहुत बड़ी बात होती है कि गांव और ढाणियों के बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं। आज बाड़मेर जैसी जगह जहाँ बालोतरा से 50 किलोमीटर दूर कल्याणपुरा गाँव है, जहाँ के राजपूत परिवार अपने पोते को लेके यहाँ आते हैं,
जसोल से आते हैं, यहाँ पे प्रवीण के पिताजी आते हैं इस बारिश के मौसम में, तो हमें इस बात की खुशी होती है कि सीएचसी ने बहुत अच्छा काम किया है, निश्चित रूप से अच्छा काम किया है, इसीलिए तो इस बारिश के मौसम में इतने दूर से लोग हमारे लिए आते हैं, सुनते हैं। हम सब ने आप सब की चीजों को देख के आज हमारा एक ही उद्देश्य होता है कि बच्चा पढ़े लिखे नौकरी लगे, तो हम सब ने इनसे एक निवेदन किया कि भाई श्रवण, सब डॉक्टर नहीं बन सकते, सब इंजीनियर नहीं बन सकते, जो लोग डॉक्टर और इंजीनियर बने नहीं बन पा रहे उनके लिए भी हमें सोचना चाहिए। तो उसके लिए हमने एक इनसे निवेदन किया कि आज की तारीख में सक्षम है, संसाधन है, अच्छी टीम है, बढ़िया मैनेजमेंट है, तो हमें कोई ऐसी व्यवस्थाएं करनी चाहिए कि जो बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बन पाते हैं, जिनका नीट और आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हो पाता है, उन बच्चों के बारे में भी हमें सोचना चाहिए। तो उसके लिए ये जो डिफेंस एकेडमी का कॉन्सेप्ट है, ये उसी की तैयारी के लिए एक कॉन्सेप्ट आया है कि जो बच्चे वहाँ नहीं जा पाते हैं उन बच्चों के लिए भी ऐसी व्यवस्था की जाए, ऐसी कोचिंग दी जाए, ऐसी स्पोर्ट्स की तैयारी करवाई जाए, ताकि वो बच्चे कम से कम इंजीनियर डॉक्टर नहीं बने तो एयरफोर्स है, नेवी है, एनडीए है, या ऐसा स्पोर्ट्स में बढ़िया अपना कोई गेम तैयार कर लें, जिसके कारण आगे चल के वो अपना रोजगार भी करें, अपने परिवार का नाम भी करें, अपने गांव का नाम भी रोशन करें। और इस तरह की सारी व्यवस्थाएं हमने डिसाइड कर लिया, भाई ने भी प्रॉमिस किया है कि 8 अक्टूबर को मेरा जन्मदिन है, 8 मार्च को मेरा जन्मदिन है, उस दिन हम डिफेंस एकेडमी की शुरुआत कर देंगे, और वो भी बहुत अच्छे संसाधनों के साथ, बहुत अच्छे तरीके से एक अच्छी डिफेंस एकेडमी की शुरुआत होगी। तो मैं जो भी लोग लाइव देख रहे हैं उन सबसे एक ही चीज कहता हूँ कि अब हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारा पेड़ बहुत बड़ा हो गया, हमारी पुष्प फैल रही है, हमारी सीएचसी जवान हो गई है, और कोई भी बच्चा जैसे 25 साल का उम्र का होता है, वैसे ही कोई संस्था जब 25 साल की उम्र की होती है तो वो जवान हो जाती है। और अब जो हम काम करेंगे उस काम का जो लाभ आप लोग ले सकते हैं वो लाभ ज्यादा से ज्यादा लेना चाहिए। आज वर्तमान में ये हालत है, एक शहरी पृष्ठभूमि है, एक ग्रामीण पृष्ठभूमि है, गाँव के जो लोग हैं उन लोगों को हम वही माहौल देते हैं कि बच्चा कहीं भी जाके किसी डिप्रेशन में नहीं आ जाए। श्याम को जो असेंबली होती है, सीएलसी एक ऐसा परिवार है जिसके अंदर श्याम को हनुमान चालीसा का पाठ, जहां आप कह रहे हैं मैं खुद मोटिवेट हो गया, जिसको हम असेंबली बोलते हैं, उस असेंबली का उद्देश्य एक ही है कि कहीं गांव से ढाणी से आया हो बच्चा, कहीं ये तो नहीं हो कि डिप्रेशन में आ जाए, कहीं वो अपने आप को कमजोर तो महसूस नहीं करे, तो उसको इस चीज के लिए तैयार किया जाता है कि आपका ईश्वर, आपका कुल देवता, आपकी कुल देवी आपके साथ है, आप ईमानदारी से मेहनत करो, सीएचसी परिवार आपके साथ है, आपको सफलता मिलेगी। और इस बात की भी खुशी है कि हमारे वहाँ का कोई भी बच्चा इस हालत में नहीं होता कि कभी आज तक किसी ने सुना हो किसी को सीएचसी में किसी तरह की कोई नहीं। मामराज की बातें नहीं है, जब प्रवीण रात को दिक्कत है तो मैंने 3 बार फोन किया, माफी चाहता हूँ, मुझे नहीं बोलना चाहिए, पर कई बार बताना पड़ता है, तो कुछ लोग केवल मार्केटिंग के कारण कांच के टुकड़े हीरा बना देते हैं, और मैं भाई से एक टक्कर था, मैंने कहा इसको लगा आप एग्जाम दे के आनी है, और 650 का स्कोर लेके आया बच्चा। उसके बाद भी कुछ लोग बहाने बनाते हैं ना, स्वास्थ्य खराब हो गया, ये हो गया, ड्रिप लगी हुई है, पथरी का दर्द हो रहा है, और 650 2020 किंट लेके आया लड़का। तो दोस्तों यही मोटिवेशन की ताकत होती है कि किसी बच्चे की ड्रिप लगी हुई है, बीमार है, उसके बावजूद वो अपने बोझ से, अपने संस्था परिवार से इतना मोटिवेट होता है कि उस हालत में भी वो ये कहता नहीं मैं एग्जाम दूंगा, एग्जाम देता है, रिजल्ट लाता है, और वो अपने एक नए जीवन की शुरुआत कर देता है। तो संस्था जो है उसके अंदर मोटिवेशन की बहुत बड़ी ताकत होती है, और मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि आप कितनी भी संस्थाओं के नाम जानते होंगे, यदि कोई भी संस्था बच्चे को यदि मोटिवेशन का काम करती हो तो एक भी संस्था का मुझे नाम बता दो। लेकिन सीकर सीएलसी वो काम करती है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। एक बार तो सोए हुए बच्चे को भी जगा के ये बता देते हैं कि तुझे क्या करना, बहुत से सोए हुए बच्चे उठ के दौड़ पड़ते हैं और दौड़ के अपनी मंजिल को पा लेते हैं। तो मैं आप सबसे एक ही चीज कहता हूँ कि आज सीएचसी के पास संसाधन है, सारे स्रोत है, आप जो भी अच्छे बच्चे हैं उनको वहां भेजिए, उस चीज का लाभ लीजिए, उसका लाभ गाँव तक फैलाइए,
और जो ये बच्चे सीएलसी से निकले उन बच्चों से भी मैं कहता हूँ कि आपकी नैतिक ड्यूटी है, जिस तरह आप आगे बढ़े हैं, आप अपने परिवार गांव ढाणी में जो भी लोग हैं उनको सही ढंग से गाइड करें, और सीएलसी का जो एक अच्छा पेड़ तैयार हुआ है जो आज फल देने लगा है उसके फल हम सबको लेने चाहिए। जय सीएलसी। थैंक यू मामला जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बात करना चाहता हूं इस विशेष में, जैसे प्रवीण के फादर ने कहा कि असेंबली से मैं मोटिवेट हुआ, साहब डेली शाम को 6:30 बजे हजारों बच्चा बैठ के जब ईश्वर को उस ताकत को याद करता है तो उसमें नेगेटिविटी नहीं आ सकती। तो इस देश में जो भी 21-22 के प्लेयर हैं जो लगता है कि मैं किनारे पे रह गया, दोस्तों मैं स्पष्ट कहता हूं हर कोचिंग में टीचर है, मेरे पास भी है, कोई नई बात नहीं है। और ये भी परिवर्तन है, पांच मेरे पास इस बार पढ़ा रहे थे वो किसी और में चले जाते हैं, वहाँ के हमारे पास आ जाते हैं, ये चलता रहता है। राजस्थान में, इंडिया में 10-15 कोचिंग है, पांच टीचर कभी यहाँ थे वो वहाँ चले गए, उनसे काम कराने की कला श्रवण को आती है। 25 साल से काम कर रहा हूँ और उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि बच्चे के साथ एग्जाम हॉल तक रहना, लास्ट तक बच्चे के साथ में कुछ दिन है कि आज साहब नीट में 700+4 बच्चा सीएलसी दे रही है 2021 में, इसलिए लाइव को समाप्त करते हैं। इसके अलावा आज का एक बहुत शानदार सा, बहुत भयंकर बारिश पलोत्रम हो रही है, उसके बावजूद भी हम लोग एक बार कहते प्रोग्राम होगा भी नहीं, फिर उन्होंने कहा नहीं यार, तो अच्छा हॉल मिल गया हमें, सारी व्यवस्था बढ़िया होगी। तो दोस्तों आपका एक आज का शानदार प्रोग्राम, अब मैं अगले 3-4 दिन सीकर हूं, उस अगला मेरा वीक जो है अगले 4 दिन मेवाड़ के नाम है, राणा प्रताप की हल्दी घाटी के नाम है, वहां रहूंगा, क्योंकि मेरा बहुत लाडला सा बेटा चैन ने 700 नंबर दे के उस मेवाड़ के बेल्ट को मुझे और जोड़ा मेरे साथ। मैं फिर से कहता हूं आप चाहे 6ठी क्लास से लेके स्कूल तक, चाहे CBSE हो, RBSE हो, बच्चों को जोड़ें, हमारे खुद के अपने हॉस्टल हैं, बेटियों के, बेटों के, सबके अलग अलग हैं, एक बार आप सीएलसी आए। एक बात मैं और करना चाहता हूं, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आप करना चाहता हूं वो है कि सीएलसी केवल अपनी प्रगति नहीं कर रही है, सीएलसी में हजारों हजारों वो बच्चे हैं जिनकी झोंपड़ियां महलों में चेंज हो गई, हजारों लोग थे जो सरकारी बसों में सफर करते थे आज वो कार में बैठ के सीएलसी आते हैं। और एक अपील करना चाहूंगा, जिन बेटे बेटियों का भी सहयोग किया सीएलसी ने उनका धर्म बन जाता है, मैंने आपका सहयोग किया था, आप किसी एक बच्चे का, आप जॉब में आ गए हैं, आप आर्थिक सक्षम है, तो अपने गांव के मोहल्ले का कोई एक जरूरतमंद बच्चा लेके आए, जो आप मेरे पास आए थे मैंने आपका सहयोग किया था, वैसे किसी एक बच्चे को आप लाए उसकी फीस आप पे करें, तो जिस पेड़ ने आपको छाया दी उस पेड़ को आप खाद पानी दें ताकि वो पेड़ और हरा भरा होगा, तो आप जैसे जरूरतमंद हजारों बच्चों को और छाया देगा, ये होती है ऋण मानवता। और ये लोग करना शुरू कर चुके हैं, ये मेरे हजारों डॉक्टर्स आज इस तरह के कोई ना कोई रोज आता रहता है। इसी के साथ आज का लाइव पूरा करते हैं, मैं साहब आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि इतनी दूर दराज भी मुझे मेरे अपने लोग मिल जाते हैं, चाहे मैं डूंगरपुर जाऊँ, चाहे मैं धौलपुर जाऊँ, चाहे मैं हरियाणा जिंद जाऊँ, जहाँ भी जाता हूँ, तो आज इतने विषम परिस्थिति में मेरे प्रकाश पाली भाई का यार सिरुण जी प्रोग्राम होगा कि नहीं होगा आपका, जो बारिश बहुत तेज थी, मैंने कहा कोई बात नहीं माता रानी का, तुम जसोल माता माजी सा माता के हाथ जोड़े और लग गए, और आज पहली बार प्रोग्राम अंदर किया, नहीं हमेशा हम लोग प्रोग्राम भारी करते हैं। थैंक यू, जय जय सीएलसी, जय जय सीएलसी।